यूपी में बेलगाम अपराधी मेरठ में आपसी रंजिश में युवती को अगवा कर रेप की कोशिश, विरोध करने पर दबंगों ने मारी गोली। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत गंभीर, आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली में बीती रात फिर दिखा रफ्तार का कहर, बंगाली मार्केट के पास डिवाइडर से टकराई स्कॉडा कार। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नेशनल हाईवे पर बुरी तरह जला ट्रक, किसी के घायल होने की खबर नहीं। पंजाब के कपूरथला में डीएसपी विजिलेंस के बेटे पर पड़ोसी से मारपीट का आरोप, वायरल हुआ वीडियो। कासगंज में हुई हिंसा में आरोपियों पर लगेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सीएम ने मृतक के परिजनों को 20 लाख की मुआवजा राशि देने का किया ऐलान। कासगंज में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 112 लोगों को पकड़ा, 31 को भेजा गया जेल। अभी तक 31 लोगों को जेल भेजा गया है और जो कि हत्या और बलवा की विभिन्न धाराओं में उनको जेल भेजा गया है। अलीगढ़ रेंज के आईजी संजीव गुप्ता के मुताबिक हालात अब पूरी तरह नियंत्रण में। आईजी संजीव गुप्ता ने कहा, हिंसा के बाद ड्रोन कैमरे से की जा रही है जिले की निगरानी। कासगंज हिंसा पर डीजीपी ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट, सूत्रों के मुताबिक एसपी को सस्पेंड करने की सिफारिश। रिपोर्ट में एसपी सुनील सिंह के कामकाज पर उठे सवाल, समय रहते आरोप। रिपोर्ट में कहा गया, सूचना मिलने के बाद भी घंटों देर से पहुंचे एसपी, जिसके कारण स्थिति काबू से बाहर हो गई। कासगंज में हुई हिंसा के बाद सीएम योगी की डीजीपी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक, ताजा हालात पर चर्चा। कासगंज में शांति बहाली के लिए डीएम ने बुलाई पीस मीटिंग, सभी लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कासगंज में हुई हिंसा के विरोध में लखीमपुर खीरी में एबीवीपी ने निकाला कैंडल मार्च, मृतक चंदन के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग। कासगंज की घटना के विरोध में फरुखाबाद में वीएचपी का प्रदर्शन, जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश। कासगंज में हुई हिंसा पर तेज सियासत, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, घटना के लिए राज्य सरकार दोषी। ये सरकार कानून व्यवस्था पर जितना काम करना चाहिए वो काम सरकार नहीं कर रही, और जो कासगंज में हुआ है उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो सरकार जिम्मेदार है। सीपीएम ने भी कासगंज की घटना के लिए योगी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, सीताराम येचुरी ने कहा, सतर्कता दिखाने की थी जरूरत। आज से संसद का बजट सत्र, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे रामनाथ कोविंद। 1 फरवरी को पेश होगा बजट, 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र का पहला चरण। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण, देश की आर्थिक तस्वीर पेश करेगी सरकार। बजट सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में पीएम ने सभी दलों का मांगा सहयोग, बजट सत्र को बताया महत्वपूर्ण। बहुत अच्छे माहौल में ये पूर्व संध्या की सर्वदलीय बैठक हुई है, पूरा सत्र को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने निवेदन भी किया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा, बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक पास कराने की होगी पूरी कोशिश। सभी दलों से बात करेंगे, जैसे लोकसभा में वो पारित हुआ है वैसे राज्यसभा में भी उसको पारित करवाने की कोशिश करें। विधेयक को सेट कमेटी के पास भेजने पर अड़ा है विपक्ष, लोकसभा में पास हो चुका है विधेयक। बजट सत्र के दौरान 3 तलाक विधेयक के साथ ओबीसी विधेयक को भी पारित कराने की कोशिश में सरकार, विपक्ष का मांगा सहयोग। कांग्रेस ये जानना चाहेगी कि महंगाई जिस नियंत्रण की बात थी वो बेलगाम क्यों है, किसानों को जो 50% बोनस देना था उसका प्रावधान इसमें कहां है। बजट सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ने भी बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद की कार्यवाही में सभी दलों का मांगा सहयोग। 3 तलाक विधेयक को लेकर डीएम के अपने स्टैंड पर कायम, कनिमोई ने कहा, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए बिल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा की अग्नि परीक्षा, आज अजमेर और अलवर की लोकसभा सीटों के साथ मांडलगढ़ विधानसभा के लिए उपचुनाव। सांसदों और विधायकों के निधन के बाद खाली हुई 3 सीटें, वसुंधरा सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर।
पश्चिम बंगाल में उलबेरिया लोकसभा और नवपाड़ा विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव आज। तृणमूल और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर। चंद्रबाबू नायडू के बहाने शिवसेना ने बीजेपी पर बोला हमला। उद्धव ठाकरे ने कहा सहयोगियों से विश्वासघात करना बीजेपी की आदत। टीडीपी ने भी एनडीए से गठबंधन खत्म करने के दिए संदेश। चंद्रबाबू नायडू ने कहा अगर हमारी जरूरत नहीं तो नमस्ते करने को तैयार। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी। कहा पूंजीपतियों का बगल बच्चा बने मोदी। कंपनी बहादुरों की, विदेशी कंपनियों बहादुरों का अगर नया कोई वायसराय इस देश में तो नरेंद्र मोदी है। और उसके साथ साथ जो शब्द मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर मरूं, पूंजीपतियों का बगल बच्चा बन गए आप। दिल्ली में सीलिंग को लेकर सियासत जारी। आम आदमी पार्टी आज संसद भवन तक निकालेगी मार्च। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एलजी को चिट्ठी लिखकर मुलाकात का मांगा समय। कारोबारियों को सीलिंग से राहत दिलाने की करेंगे मांग। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली मास्टर प्लान 2012 में बदलाव की जरूरत। सीलिंग को लेकर कारोबारियों का विरोध जारी। 2 और 3 फरवरी को राजधानी में फिर बंद का किया ऐलान। आप विधायकों की सदस्यता रद्द करने के फैसले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग के फैसले पर राष्ट्रपति ने लगाई है मोहर। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे कांग्रेस सांसद शशि थरूर का पीएम मोदी पर हमला। कहा दीनदयाल और संविधान एक साथ नहीं चल सकते। शशि थरूर ने कहा मोदी देश के संविधान को पवित्र बताते हैं लेकिन साथ में हिंदुत्व के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नायक की तरह सराहते हैं। हैदराबाद में कार्यक्रम में पहुंची बाहुबली फेम अभिनेत्री तमन्ना भाटिया पर एक युवक ने फेंका जूता। आरोपी गिरफ्तार। एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने पहुंची थी अभिनेत्री। आरोपी ने हीरोइन की खराब एक्टिंग को बताया गुस्से की वजह। पटना में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पूनम महाजन के स्वागत में बीजेपी समर्थकों ने ट्रैफिक नियमों का उड़ाया मजाक। बाइक पर बिना हेलमेट तीन लोग सवार दिखे। कर्नाटक बीजेपी ने ट्विटर पर जारी किया वीडियो। राहुल से पूछा गया कर्नाटक आने पर वो उन हिंदू पीड़ित परिवारों से भी मिले जिनके परिजन मारे गए। मुजफ्फरनगर में गन्ना राज्य मंत्री सुरेश राणा ने सांसद संजीव बालियान के साथ चीनी मिल का किया औचक निरीक्षण। किसानों की सुनी समस्याएं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 4 बड़े फार्म हाउस पर गिरी गाज। मेरठ में आरएसएस के राष्ट्र उदय कार्यक्रम के लिए 3 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 25 फरवरी को है आयोजन। रिलीज के 4 दिन बाद भी पद्मावत पर बवाल जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों ने सिनेमा घर पर फेंका पेट्रोल पंप। हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। घटना के बाद शाम थिएटर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पटना में आज से दिखाई जाएगी पद्मावत। पीएनएम मॉल में सिनेप्लेस में टिकटों की बिक्री शुरू। फरीदाबाद में मुआवजे की मांग को लेकर 5 गांवों के किसानों का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के दफ्तर का किया घेरा। कानपुर में जहरीली शराब से एक शख्स की मौत पर ग्रामीणों का भड़का गुस्सा। जमकर किया हंगामा। थाने में सिविल हॉस्पिटल के बाहर खड़ी 4 गाड़ियों में अचानक लगी आग। लोगों में मची अफरा तफरी। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग के कारणों का अभी नहीं चला पता। जबलपुर में एक होटल में आग से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी ने पटरी पर लेटकर चलती ट्रेन के नीचे की खुदकुशी की कोशिश। ऊपर से ट्रेन गुजरने के बाद भी नहीं आई खरोच। ट्रेन गुजरने के बाद फिर खड़ा हुआ शख्स। घटना से प्लेटफॉर्म पर मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की खुली पोल। पन्ना में पुलिस की 100 डायल गाड़ी लूटकर बदमाशों ने 18 साल की लड़की को किया अगवा। यूपी के हापुड़ में एक शख्स ने पत्नी को दिया 3 तलाक। पंचायत ने गैंगरेप के बाद आरोपी से कराया था निकाह। यूपी के अलीगढ़ में वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। चोरी की 17 बाइक के साथ पकड़े गए 9 लोग। यूपी के बाराबंकी में पत्नी से अवैध संबंधों के शक में दोस्त ने दोस्त का किया कत्ल। 2 लोग गिरफ्तार।
यूपी के ललितपुर में भूमि विवाद में किसान की बेरहमी से हत्या, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बिहार के सुपौल में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों का अस्पताल में हंगामा। दिल्ली के नजदीक नोएडा में गार्डनिया ग्लोरी में फ्लैट बुक कराने वालों का हंगामा, बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी। बाराबंकी में भारी मात्रा में मादक पदार्थ के साथ दो लोग गिरफ्तार, एक आरोपी नेपाल का रहने वाला। आजमगढ़ में एक स्कूल में महिला शिक्षा मित्र से मारपीट, हेडमास्टर समेत दो लोग गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में 4 साल की मासूम को अगवा कर दरिंदगी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शाहदरा में एक स्कूल से कंप्यूटर और कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के मुरादाबाद में एक स्कूल में बारहसिंगा घुसने से हड़कंप, बच्चों ने भाग कर बचाई अपनी जान। कई घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ में आया बारहसिंगा, स्थानीय लोगों ने भी ली राहत की सांस। बिहार के आरा में एक महिला से गैंगरेप पर लोगों का भड़का गुस्सा, हाईवे पर लगाया जैम। ओडिशा के टिटलागढ़ में अज्ञात लोगों ने आरपीएफ पर किया जानलेवा हमला, अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के भरतपुर में शादीशुदा जोड़े ने होटल में गोली मारकर की खुदकुशी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सीमा पार से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए गुरदासपुर में तलाशी अभियान तेज, पाक सीमा से सटे इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। सीकर में दर्दनाक हादसा, खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। मुंबई में एक इवेंट में पहुंचे अमिताभ बच्चन ने अपनी गंभीर बीमारी का किया जिक्र, बोले मेरा सिर्फ 25% लिवर ही काम कर रहा है। अमिताभ ने कहा, कुली फिल्म के सेट पर घायल होने के बाद मुझे 60 बोतल खून चढ़ाया गया, जिसमें से एक बोतल में हेपेटाइटिस बी वायरस था। तकरीबन 60 बोतल खून, प्लेटलेट्स वगैरह इसकी जरूरत पड़ी थी और 200 लोगों ने खून का योगदान दिया था, तब जाकर के मेरी जान बचाई गई। मध्य प्रदेश में शिवराज के दावों की खुली पोल, चपरासी पद के लिए इंजीनियर और बीए पास युवकों ने किया आवेदन। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गणपति राजू ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल की रखी आधारशिला, मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल की दिखी मौजूदगी। आईपीएल की बोली में जयदेव उनादकट की लगी लॉटरी, राजस्थान ने 11.5 करोड़ में खरीदा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, साल भर बाद सुरेश रैना की वापसी। श्रेयस अय्यर की टीम से हुई छुट्टी, 18 फरवरी को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा पहला मुकाबला। जोहान्सबर्ग टेस्ट में मिली जीत से कप्तान विराट कोहली गदगद, कहा टीम ने साबित किया विदेश में जीतने की काबिलियत। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मिली जीत के लिए रॉजर फेडरर ने पत्नी मिर्का को दिया श्रेय, कहा उनकी प्रेरणा से मिलती है ऊर्जा। पाकिस्तान के किलर माउंटेन पर फंसी फ्रांसीसी पर्वतारोही को बचाया गया, पोलैंड का साथी पर्वतारोही अब भी लापता। चीन के हेनान प्रांत में जारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, कई जगह पर रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। फिलीपींस में ज्वालामुखी फटने के बाद हो रही बारिश से शहर में लगा मलबे का अंबार, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत एंजेलिना जॉली की दुनिया के नेताओं से अपील, कहा सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए सभी आगे आए। इटली में होने वाली स्कीइंग प्रतियोगिता को लेकर लोगों में दिखा भारी जोश, 200 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।